वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को कम करने अधिकारों को कम करने के लिए केंद्र सरकार संसद में वक्फ बोर्ड अधिनियम लेकर आई है और इस मुद्दे पर सूरत के बीजेपी सांसद मुकेश दलाल का कहना है कि ये कानून लागू होना चाहिए। इस कानून में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, लोगों की संपत्ति हड़प रहे हैं, उस पर लगाम लगेगी। सांसद मुकेश दलाल से नेटवर्क 10 ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का मामला इंडिया में काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है और इस मामले में जो है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी बयान दिया है कि एक मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन पे जो है कि भाजपा एक टारगेट बनाई हुई है, तो हमारे साथ यहाँ पे मुकेश दलाल सर भी मौजूद हैं और ये गुजरात से कैंडिडेट है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला है जो असदुद्दीन ओवैसी एक आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप इस आरोप में कितनी सच्चाई है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड का मामला पूरे इंडिया में जो है कि लगातार फैल रहा है और ये मामला जो है कि असदुद्दीन ओवैसी ये बोल रहे हैं कि ये मामला काफ़ी बीजेपी टारगेट बना रही है मुस्लिम समुदाय को, इस पर आपका क्या कहना है? वक्फ एक्ट 1995 एक जालिम कानून है, किसी समुदाय विशेष को अबाधित सत्ताएँ इस कानून से प्राप्त हुई है। 1955 का जो कानून था इसमें बेसिक सुधारा करते हुए ये कानून को इतना जालिम बनाकर वक्फ बोर्ड को इतनी विशाल सत्ता दी गई है कि ये किसी की भी प्रॉपर्टी हड़प कर सकते हैं और इन्होंने ये 30 सालों में यही काम किया है। जिस प्रॉपर्टी पे ये लोग उंगली रखते हैं वो प्रॉपर्टी इनकी हो जाती है। साउथ में गांव के गांव इन्होंने बसा लिए हैं। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सालों साल पुरानी मिल्कत है इस पर भी दावा ठोक दिया है। अब इसमें एक कानून में काफ़ी सुधारा की अवकाश थी। आदरणीय अमित भाई शाह साहब, नरेंद्र भाई मोदी साहब, रिज्जू साहब, ये कानून का सुधार बिल पेश पार्लियामेंट में किया है, जेपीसी को दिया गया है। मुझे लगता है कि जब ये पास हो जाएगा तब हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचेगा और नया एक नई क्रांति आएगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान रखा है अपनी कि जो भी मतलब एक समुदाय को ये टारगेट बना रही है भाजपा, इसमें समुदाय विशेष का कोई सवाल नहीं है। जब किसी समुदाय विशेष को अबाधित सत्ताएँ दी जाती है, आपकी भी प्रॉपर्टी वो हड़प कर जाए, इतनी अबाधित सत्ताएँ दी, इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता आप हाई कोर्ट में, फिर ऐसा कौन सा कानून है? अब कानून में सुधारा करके इनकी जो ट्रिब्यूनल है वो ट्रिब्यूनल में भी जो ऑफिसर्स होंगे वो, और अब आप अगर आपको अगर शिकायत है और ट्रिब्यूनल के चुकाने से आप संतुष्ट नहीं है तो आप इस कानून को हाईकोर्ट में भी चैलेंज करने की इसमें प्रोविज़न दी है। दो मुस्लिम महिलाओं इसमें आ रही है और वोरा समाज, आगा खान समाज, बैकवर्ड मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ये बिल्कुल ये सूरत पूरी इंडिया की प्रजा प्रतीक्षा से देख रही है कि कब पार्लियामेंट में कानून पास हो जाए और एक नया इतिहास रचा जाए। जैसे कि हमने मुकेश सर से यहाँ पे बात करने की कोशिश की तो इनका कहना यह है कि काफ़ी जल्दी ये कानून लागू हो जाएगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि ये कानून लागू होगा कि नहीं होगा। नेटवर्क 10 से नीरज राठौर, सूरत, गुजरात।